अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि वेरीलॉग जो एक लैंग्वेज है उसको उस या उसमें हमने डिज़ाइन जो लिखा है उसको रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से कंपाइलर रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा आपके सामने। इसमें डाउनलोड के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर ये ऑप्शंस आ रहे होंगे। अगर किसी के पास मैकबुक है, अगर किसी के पास विंडोज़ है, विंडोज़ में भी अगर एड विंडोज़ है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर सकता है। मेरे पास डाउनलोडेड है पहले से, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। जब डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉल करने की देखते हैं क्या प्रोसीजर्स हैं। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। और अगर आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे इसका आइकन आए, तो इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दें। बाय डिफॉल्ट हम इसकी डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है वो यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई चेंजेस नहीं की है, तो आप भी यही कीजिएगा। देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल्ड हो रहा है अभी, हम वेट कर लेते हैं। जैसे इंस्टॉल्ड हो जाए तो आप इसको फिनिश कर दें। जब फिनिश करेंगे, मैंने उस पर लॉन्च पे क्लिक किया हुआ था, बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ हुआ था, तो सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसमें हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्सटेंशन पे जाके लेफ्ट पे जो एक बार बनी हुई आ रही है, इसमें लास्ट जो ऑप्शन है उसमें जब हम जाएंगे, वहां पे हमने लिखना है वेरीलॉग। जब हम वेरीलॉग लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से कंपाइलर्स आ रहे होंगे या इंटरप्रेटर आ रहे होंगे। तो इसमें ग्रीन कलर का जो थंबनेल वाला ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन फिर हम चेक करेंगे कि टर्मिनल पे लिख के आई वेरी लॉग के हमारे पास वेरी लॉग रन हो रही है, कि हम अपना डिज़ाइन अगर रन करें तो रन होता है। जैसे कि इसने एरर दे दिया कि द टर्म आई वेरी लॉग इज नॉट रिकग्नाइज, मीन्स के अभी कुछ सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम इसको अभी बंद करते हैं और हम गूगल क्रोम पे वापसी आके आई वेरी लॉग डाउनलोड लिखते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है blair.org। अगर किसी के पास फर्स्ट नहीं आ रहा हो, थर्ड फोर्थ आ रहा हो, तो आपने ये देखना है कि blair.org का ही लिंक होना चाहिए, उस लिंक में ये लिखा हुआ हो। तो blair.org पे जब हम क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस कुछ आपके सामने आ रहा होगा। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, उसकी फाइल कुछ इस तरीके से होगी। मेरे पास डाउनलोड था तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले यस करना पड़ेगा इसको। देन इसमें भी आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक तो क्रिएट और डेस्कटॉप शॉर्टकट है, तो मैं अभी इस पे क्लिक नहीं कर रहा। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है, इस पे लाजमी क्लिक कीजिएगा जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो आई कैरस को, क्योंकि ये आपका पाथ जो होता है वो ऐड कर देगा, लिंक कर देगा विजुअल स्टूडियो को, ताकि वहाँ पे आप आई वेरी लॉग जो वेरी लॉग की कमांड है वो आप रन कर सकें।
नेक्स्ट करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इन केस अगर कोई इस पे क्लिक नहीं कर पाया या भूल गया और उन्होंने नेक्स्ट कर दिया, तो देन क्या प्रोसीजर है हम इसको फॉलो करें, हम उसको देखते हैं। पहले क्लिक करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। जब ये इंस्टॉल्ड हो गया तो आपने सबसे पहले ना CMD पे आना है, और ये मेक श्योर करना है कि आपके पास पहले से CMD क्लोज हो और विजुअल स्टूडियो भी क्लोज हो, ओपन नहीं हुआ वो। जब आप CMD पे आते हैं तो आप यहाँ पे वही कमांड लिखिए जो हमने पहले विजुअल स्टूडियो पे लिखी थी, आई वेरिलॉग। ये आई वेरिलॉग लिखते हैं, वहाँ पे पहले जो एरर आ रहा था वो आई वेरिलॉग नॉट रिकग्नाइज कर रहा था। यहाँ पे नो सोर्स फाइल मीन्स आई वेरिलॉग है, मगर उसकी कोई सोर्स फाइल नहीं बनाई हुई आपने, मीन्स हमारे पास चल रहा है सही। अब हम वेरलॉग पे, वेरलॉग का जो कोड है, डिज़ाइन है, वो हम विजुअल स्टूडियो पे लिख सकते हैं। अब हम इसको अनइंस्टॉल करके ये देख लेते हैं कि इनके भूल जाऊं ऐड एग्जीक्यूटेबल पाथ पे क्लिक करना, तो मुझे क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे। अब मैं दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, वही प्रोसीजर फॉलो होगा, बस लास्ट में ये जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक नहीं कर रहा, ताकि हमें पता चले कि इसके इस पर ना क्लिक करने से क्या एरर्स आते हैं हमारे सामने, सो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंस्टॉल्ड। अगेन आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ हो, मतलब खुली भी ना हो। जब आप ये सब रन कर लें या इंस्टॉल कर लें, अगेन नई कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं हम। जब आप ऐड एग्जीक्यूटेबल पाथ पे क्लिक करना भूल जाएं और आप लिखते हैं आई वेरिलॉग कमांड प्रॉम्प्ट पे आके, तो इस तरीके का अगर एरर आ रहा है आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे, आई वेरिलॉग इज नॉट रिकग्नाइज, तो आपने क्या प्रोसीजर है फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इसको कट करना है, देन अपने सर्च बार में जाके व्यू एडवांस सेटिंग जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें लास्ट में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। देन दो आपके पास रोज आ रही हैं या दो आपके पास ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इसमें जो सेकंड ब्लॉक है सिस्टम वेरिएबल के नाम से, इसमें आप पाथ के जो ऑप्शन है उसको ढूंढेंगे, या पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये आ गए कौन कौन से पाथ्स ऐड हैं, आप यहाँ पे मैनुअली पाथ ऐड करेंगे उसका। न्यू पे क्लिक करके आप लिखेंगे सी कॉलन स्लैश आई वेरीलॉग स्लैश बिन, ये आपने आई वेरिलॉग का पाथ ऐड कर दिया। आपको एक और पाथ ऐड करना पड़ेगा, सी कैपिटल सी कॉलन स्लैश आई वेरिलॉग स्लैश GTK वेव स्लैश बिन। GTK वेव हम यूज करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आप अपना आउटपुट देख रहे होते हैं, तो इसका पाथ हमें ऐड करना पड़ता है। देन आप ओके पे क्लिक करेंगे, देन ओके, देन ओके। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को चेक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कि हमारा पाथ जो हमने ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं। आई वेरिलॉग दोबारा इस पे लिखेंगे, मींस जो स्टेटस आ रहा है ये बताता है कि आपके पास पाथ सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। हमने इस वीडियो में ये भी देख लिया है कि मैनुअली कैसे ऐड करते हैं इन केस अगर हम भूल जाते हैं। आपके ऐड एग्जीक्यूटेबल पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करना, और अगर हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपने जो बाकी प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करने। अगर कोई भूल जाता है तो फिर वो मैनुअली इस तरीके से ऐड करे।